आपको मैं सबसे बेहतरीन चीज बताने वाला हूं, और वो है प्रोग्रामिंग में है, उसका नाम है फ्लो चार्ट। और फ्लो चार्ट मतलब क्या होता है? फ्लो चार्ट मतलब एक ग्राफिकल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम। तो किसी भी प्रोग्राम को अगर आपको फ्लो चार्ट या डायग्रामेटिक व्यू में या पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो आप लोग क्या यूज कर सकते हो? फ्लो चार्ट यूज कर सकते हो। तो फ्लो चार्ट को बनाने के लिए आपको कुछ सिंबल की जरूरत पड़ती है, और वो सिंबल हम आज पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको पसंद आएगा। तो पहला जो सिंबल होता है वो है ओवल। ओवल मतलब दैट जब आपको कोई फ्लो चार्ट शुरू करना है या एंड करना है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास जो सिंबल यूज होता है उसको हम लोग कहते हैं ओवल। दूसरा जो सिंबल है, जब आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे कि आपको सपोज A+B करना है या C×D करना है, जब कोई कैलकुलेशन पार्ट करना है, तो आप यूज करेंगे प्रोसेसिंग। उसके लिए हम लोग सिंबल है हमारे पास रेक्टेंगल। तीसरा जो सिंबल है वो है पैरलोग्राम। पैरलोग्राम का यूज होता है जब आपको कोई इनपुट लेना है या आउटपुट डिस्प्ले करना है, जैसे कि प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ रहेगा या स्कैन एफ रहेगा। तो ऐसे जब आपको कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तब आपको यूज करना पड़ेगा पैरेललोग्राम। चौथा जो सिंबल है मेरे पास वो है कनेक्टर। कनेक्टर मतलब क्या होता है? जब सपोज कोई आपका पेज, जो पेज पर लिख रहे हो आप, यदि वो पेज पूरा भर जाता है, आपको नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करना है, तो आप क्या कर सकते हो? कनेक्टर का यूज कर सकते हो। पांचवा जो सिंबल है वो डायरेक्शन फ्लो। किस डायरेक्शन में हमारा फ्लो चार्ट जा रहा है, किस डायरेक्शन में हमारा फ्लो पास हो रहा है, वो रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये एरो का सिंबल यूज करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन फ्लो। और लास्ट वाला जो छठा वाला जो है, दैट डायमंड। डायमंड यानी होता है कंडीशन रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जब हमको कोई कंडीशन रिप्रेजेंट करना है, बताना है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? वहां पर डायमंड यूज करेंगे। तो बहुत ही बेहतर ये हमारा जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, और उसका नाम था ये हमारा फ्लो चार्ट एंड इट्स वर्ड सिंबल्स। आई होप दैट एवरीवन हैज गॉट एंजॉयड दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू।